बाबा दरगाह भाई, बाबा जी की लोग आए। यहाँ पे खुदाई हुई थी किसी टाइम पे, बहुत सालों पहले खुदाई की थी। यहाँ पे कंकाल निकला, यहाँ पे कंकाल वगैरह और सोना वगैरह खजान बहुत कुछ निकला था भाई। यहाँ पे खुदाई वगैरह हुई थी। लो भाई ये अंदर है दरगाह। कहाँ पे यार? अच्छा ये भाई, ये खिलौने वगैरह है ये बच्चों के लिए। यहाँ पे आ रहे हैं बहुत आदमी वगैरह। ये रखे हुए अंकल जी और ने खिलौने वगैरह रखे हैं बच्चों के लिए। जैसे दरगाह से दर्शन वगैरह करके आते हैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह ले लेते हैं भाई। ये झेल हुआ कर। अच्छा ये सामने झील है, क्या बात है। इधर पानी नहीं गया, थोड़ा वॉश कर लेता। अच्छा ये क्या भाई, गोलू भाई क्या है? जेल है। लो भाई ये जेल थी, पूरे पुराने जमानों की जेल। ये देख लो, पुराने जमानों की ऐसी जेल होती थी भाई, आज तक है। ये देखो भाई, पुराने जमाने की जेल। क्या बात है। सामने दरगाह भाई, सामने दरगाह। हैंड वॉश वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। और विकास सामने प्रसाद ले रहा है, प्रसाद वगैरह लेके आ रहा है, ठीक है। और मैं हैंड वॉश वगैरह कर लेता हूँ, हैंड वॉश वगैरह करके मिलते हैं आपको। भाई विकास ने प्रसाद वगैरह ले लिया, तो हम भी दर्शन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। दर्शन वगैरह करके आते हैं। सामने दरगाह आ गई भाई, प्राचीन की दरगाह भाई। ये सामने दरगाह भाई, वो सामने दरगाह, तो वहाँ पे मत्था वगैरह टेक के आते हैं। तो अंदर पता नहीं फ़ोन लेना अलाउड है नहीं, आई डोंट नो। तो मैं शूज़ वगैरह रख देता हूँ। शूज भाई, ये बाबा दरगाह भाई, बाबा जी की पुराज भाई चढ़ा रहा है चादर बाबा का। हाँ इनको देखो, मानते हैं। लो भाई इतनी प्यारी बारिश आ गई थी भाई, एक नंबर। तो अभी हम दिखा के आते हैं भाई, अंदर से हम दर्शन वगैरह करके आ गए। दर्शन वगैरह करके शूज वगैरह पहन लिए हमने। तो ये न्यू शूज़ लाए हुए थे भाई सुमित भैया ने, तो ये आज पहने मैंने न्यू शूज़। और आज बारिश आ गई भाई, बहुत खूब मज़ा आ गया भाई, एक नंबर की बारिश। और अब हम जा रहे ऊपर भाई। जय बाबा की। लो भाई ये दिख रहा, पूरा दिखाई दे रहा भाई, पूरा आसी। ये देखो दूर दूर तक नज़र जा रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आसी है। और जो आस पास में गाँव भी है भाई, ये देखो क्या बात है, एक नंबर भाई, एक नंबर। चलो गाइस सब चलते हैं भाई, बाबा जी के दर्शन वगैरह कर लिए। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे वो पेड़ था, जो चमत्कार पेड़ था भाई, जो इसके नीचे जड़ वगैरह कुछ नहीं है भाई, वो तब भी वहाँ पे स्टे किया हुआ भाई, रुका हुआ। उसके पत्ते हरे भरे पत्ते हैं भाई, आज तक है उसके हरे पत्ते। जो 800-900 साल पुराना पेड़ है भाई, वो आज तक खड़ा हुआ। और आप देखोगे आज के टाइम पे ऐसा करिश्मा होता है, आप भाई अपनी आँखों देखिए यकीन नहीं कर पाओगे भाई। और ये हमारे बाबा जी, इनको दर्शन करते हैं, नमन करते हैं भाई। और अंदर का मैंने वीडियो भी शूट कर लिया भाई, बहुत खूबसूरत वीडियो शूट किया भाई, बहुत मज़ा आ गया बाबा जी के दर्शन करके। और ये देखो यहाँ पे पानी पानी हो गया भाई, अभी बारिश आई थी। तो अभी भाई जान जहाँ से भाई ले चाली हो, जहाँ जहाँ से चलोगे भाई। उस साइड कहाँ से शिव जी? हाँ बाबा, ये हमारे शिव जी महाराज है, हर हर महादेव। अरे बाबा ने बुला लिया भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा हो नहीं सकता भाई, बारिश आए और इनके ऊपर पानी ना पड़े, क्या बात है। इनकी वजह से बारिश हुई है भाई, पानी चढ़ गया इनके ऊपर, ठीक है। चलो भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, एक नंबर, मज़ा आ रहा भाई। कौन सा भाई? पानी खड़ा हो गया, पूरा एक बार रानी मरी थी, उसके ऊपर है ना जो बनी रही है ना। हाँ। ऊपर एक छोटा सा निशान बने रहा घोड़ा का पैर का। हाँ जी, वो सामने पैर तिसला था घोड़ा का। अच्छा, इसमें वो रानी इस कुआं में डूब के मरी भाई। जो हमारी रानी थी, जो उनका घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे हमारी रानी जी, और घोड़े का पाँव फिसल के उस कुएं के अंदर जाके डूब गए थे भाई। तो वो सामने निशान है, इसके ऊपर है ना। अच्छा, घोड़ा का पैर का निशान। ओके ओके, वो सामने निशान दिख भी रहा है यार। पानी पानी रुका हुआ जो बीच में थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है ठीक है ठीक है,
यो पानी खड़ा है, ये पानी है नहीं, सारा इसके अंदर चला जाओ भाई। यहाँ पे अभी बारिश नहीं होती ना, अभी जस्ट बारिश नहीं होती तो हम पक्का दिखा के लाते भाई, वो चीज भी दिखा के लाते। तो घोड़े का पांव फिसल गया था भाई, तो कुएं में जाके तो मृत्यु हो गई थी उनकी भाई, कुएं में जाके मृत्यु हो गई थी उनकी। तो भाई गोलू भाई एक मिनट बोलो, अब क्या बोले? जहाँ यहाँ पे खुदाई करते वक्त कंकाल निकले थे, हाँ ठीक है, और यानी कि यहाँ पे बहुत कुछ निकला था, मटके भरे भरे निकले थे, अच्छा घड़े बोलते हैं, घड़े घड़े, हाँ हाँ, सोना चांदी यानी कि जो भी है मूर्ति वगैरह, अच्छा राजे महाराजाओं की टाइम की वो निकली थी। ओके, और वो किसने निकाली थी भाई? भाई यहाँ पे खुदाई करने वालों ने निकाली, खुदाई करने वालों ने निकाली है, क्योंकि यहाँ पे पता लग गया था तो मीडिया वाले भी आ गए थे, पुलिस वाले भी आ गए थे। अच्छा ओके, लो भाई गोलू भाई ने हमें सब जानकारी देते हैं भाई, पूरे गाइड कर रहे हैं हमें, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, हर चीज़ बता रहे भाई, यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुई थी, क्या क्या मिला था यहाँ पे। लो भाई घड़े के घड़े ना, जो घड़े होते हैं, जो पानी वाले घड़े होते हैं, उसमें सोना चांदी जेवर बहुत कुछ मिला भाई, जो इन्होंने यहाँ पे खुदाई की थी। आप 20 किलो की खुदाई करें ना तो यहाँ पे इतना सोना निकल सकता है कि पूरा 80 करोड़पति बन जाए। अच्छा भाई, भाई गोलू भाई अभी भी ऐसे बोल रहा भाई, यहाँ पे वापस खुदाई स्टार्ट कर देना, खुदाई स्टार्ट कर दे तो जितना भी हाथी है ना भाई, सारे करोड़पति बन जाए, इतना इतना सोना जेवरात, इतना कुछ है ना इधर नीचे दबा हुआ, क्या बताएं आपको यार, और इतने कंकाल के कंकाल निकले हैं, ओ माय गॉड, मेरे को सोचने में ही ऐसा लग रहा है, क्या बताऊं यार, बहुत बढ़िया। से सुनती आई है यहाँ पे एक चीज, हाँ जी, कि यहाँ पे एक सांप है। अच्छा सांप, डाडी वाला सांप है, यानी अच्छा, कि बहुत बड़ा सांप है वो। अच्छा वो दिखता हो? ये वो दिखता नहीं है वो। अच्छा अच्छा, लेकिन है ना पता कि वो ना एक बच्चे की भेंट मांग रहा है। अच्छा अच्छा, उस सांप के नीचे खजाना दबा हुआ सारा। अच्छा, उस सांप को एक बच्चे की भेंट दे देना, वो सारा खजाना उसी का है, उसी का। अच्छा, सारी उम्र के लिए, ओ ले भाई, करोड़पति बहुत कुछ बन जाओ। अरे क्या क्या गाइड कर रहे हो भाई हमें, क्या हमने सुनने में आई, जब तक बड़े बुड्ढो से तो वो यही चीज बता रहे हैं। लो भाई, एक मैं आपको अब हिंदी में लैंग्वेज थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ आपको गाइस। तो जो गोलू भाई बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं यहाँ पे एक सांप है जिसको दाढ़ी वगैरह है, सांप को, उस सांप को दाढ़ी वगैरह है, तो वो भेंट मांग रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा होता ना उसकी भेंट मांग रहे हैं, बोले उसकी भेंट दे दी ना उसको, तो भाई वो इंसान इतना करोड़पति बन जाएगा अपनी लाइफ में, सबसे बड़ा करोड़पति वही बन जाएगा दुनिया का, और ना उसका खजाना कोई खोज सकता, और ना उसका खजाना कोई खोज सकता भाई, छीन नहीं सकता उसका खजाना कोई भी। हाँ जी, खुदाई हुई थी वो किसी टाइम में। अच्छा, यहाँ पे खुदाई हुई थी, खुदाई हुई थी लोग आए थे, यहाँ पे खुदाई हुई थी किसी टाइम पे, बहुत सालों पहले खुदाई की थी, कंकाल यहाँ पे, कंकाल वगैरह और सोना वगैरह, खजान बहुत कुछ निकला था भाई यहाँ पे खुदाई वगैरह हुई थी बहुत साल पहले। तो यहाँ पे पुलिस वाले, मीडिया वाले, बहुत बंदे आ चुके थे यहाँ पे खुदाई वगैरह की थी, जब सोना वगैरह निकला, कंकाल वगैरह निकले भाई, भाई बता रहा जैसे, तो ये इनको पता भाई, नॉलेज है, यहाँ पे रहते हैं, बचपन से रहते आ रहे हैं, तो इनको नॉलेज है, इनके बाप दादा ने सब ने इनको बताया है भाई ये चीज़ें, तो तभी इनको भी पता थोड़ा बहुत, तो इनको भी पता यार, ये भी पढ़े लिखे बंदे हैं यार, बच्चे हैं पढ़े लिखे यार, ऐसी बात नहीं है भाई, बहुत अच्छा गाइड कर रहे गोलू भाई, गोलू भाई थैंक यू दिल से भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया गोलू भाई, इधर देख के थैंक यू सो मच गोलू भाई, धन्यवाद भाई, इतना अच्छा गाइड कर रहे हो आप हमें, इतना कुछ बता रहे हो। मैं ऐसा सोचता हूँ भाई, हम खुद आ जाते ना यहाँ पे घूमने के लिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हमें कुछ पता होता नहीं होता, तो हम तो खाली दर्शन करते हैं बाबा जी के, दर्शन करके सीधा घर पे जाते भाई, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, यहाँ पे भी खुदाई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे भी खुदाई हुई थी भाई, किक्कर वाली जगह पे 30-40 फीट तक खुदाई हुई थी। अच्छा, यहाँ तक कंकाल के कंकाल थे यहाँ पे। अच्छा, लो भाई यहाँ पे भी कंकाल के कंकाल निकले हैं, और इस चीज पे दोनों पे खजाना ही खजाना था। अच्छा भाई, बोल रहे इतना खजाना मिला, इतना खजाना भाई, वो क्या किसने लिया फिर वो खजाना भाई? गवर्नमेंट। लो भाई, वो सारा खजाना गवर्नमेंट के हाथों में गया भाई, सारा खजाना गवर्नमेंट के हाथों में। अभी गोलू भाई बता रहे हैं यहाँ पे अभी भी खुदाई करें ना, अभी जस्ट खुदाई करें तो अभी भी इतना सोना निकल सकता, आप सोच भी नहीं सकते भाई, आपकी सोच से परे है, इतना सोना निकल सकता आप सोच भी नहीं सकते भाई। आई डोंट नो यार, मेरे को नहीं पता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं तो इतना खुश नसीब हूँ जो इतने पवित्र जगह पे आ चुका हूँ, जो 800-900 साल पुरानी चीज़ें हैं, जो 800-900 साल पुराना किला है, आज वहाँ पे हम खड़े हैं, आज देख लो भाई, आज हम खड़े हैं देख लो क्या बात, और घूम रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं सारा का सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं और देख रहे हैं, और भाई हमें गाइड कर रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है एक नंबर। किसी ने बताया था कि ये बजरंग बली के पैर छपे हुए हैं। अच्छा, ये देखो भाई, बोरे कन्फर्म नहीं है भाई, अब ये पाँव तो है किसके पाँव है ये आई डोंट नो, अब भाई भी बोल रहे भाई मेरे को इतना कन्फर्म नहीं है, पाँव किसके, बोरे तो बोरे जो हमारे हनुमान जी है ना उनके पाँव है ये,
जो है हमारे ये हनुमान जी के उसके बोरे पाँव हैं। चलो हम तो छू लेते हैं भाई, जो भाई बोल रहे हैं हनुमान जी के तो तब छुए हैं भाई, हनुमान जी का नाम लिया तो ठीक है। और रियल में दिखा रहे भाई, पांव छुपे हुए हैं ऑलरेडी। तो गोलू भाई बताओ यार एक बार, जो यहाँ पे गुफा बनी हुई है ना, हाँ जी, इसमें जो राजे महाराजाओं के टाइम की बरात गई थी, हाँ जी, उसका आज तक भेद नहीं लगा, वो पूरी की पूरी दब चुकी है। ओ, क्या था, पता नहीं लगा उसका आज तक। लो भाई ये सामने गुफा दिखाते आपको, ये सामने गुफा भाई, इसमें ना महाराजा की बरात हो गई ना, बरात वगैरह डूब चुकी थी यहाँ पे भाई, आज तक पता नहीं लगा, आज तक पता नहीं लगा। वो सामने गुफा दिखाई दे रही है, वहाँ पे बरात डूब चुकी थी भाई, आज से 800-900 साल पुरानी कथा है ये भाई बता रहा जो भाई अपने को। तो जो ये बताएंगे तो हम यकीन कर सकते हैं भाई, इनको पता हर चीज़ नॉलेज है, हमें गाइड कर रहे हैं। तो सामने भाई दिखाई दे रहे हैं, ये रुको, वो सामने गुफा दिखाई दे रही है। लो गाइस, हमने कभी सोचा नहीं था भाई इतना एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, भाई ऐसे ऐसे पुरानी चीज़ें भाई, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हो रहा है। और जो अपना गोलू भाई है भाई, उसके मामू का लड़का है भाई, वो गोलू भाई जो उसके सगे मामू का लड़का है भाई, वो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। चलते चलते बात करते, आ जाओ यार कमियो। तो भाई फुल मज़ा, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हो रहा है, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस। और जो हमने बता दिया था वो सामने गुफा है, जो जहाँ पे वो महाराजा की बरात सारी की सारी डूब चुकी थी, जो आज तक पता नहीं चला भाई, भाई नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस बता रहे भाई गोलू भाई, तो बहुत मजा आ रहा है भाई। 30 किलोमीटर दूर है भाई। अच्छा 30 किलोमीटर है ना। हाँ जी हाँ जी, 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से सर, जो मेन गेट है ना। हाँ, मेन गेट के अंदर से एक गुफा आती है। हाँ जी, वो गुफा हिसार निकलती है किले पे। अच्छा, सीधा हिसार के किले पे रुकती है। क्या बात है यार, क्या ऐसे ऐसे चीजें सुनने को, ऐसे ऐसी चीजें पता लगेगी, आज हमने कभी सोचा नहीं था भाई, एक्सपीरियंस नहीं था हमें ये चीज़ का, तो आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है और बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई। ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, सबसे पहली बात तो आप इंडियन हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था सब चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। पृथ्वीराज चौहान का एक किला है भाई, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं, पृथ्वीराज चौहान का किला है, 800-900 साल पुराना किला भाई, ये प्राचीन किला समझ लो, आप समझ सकते हो यार, बहुत सालों पुराना है तो प्राचीन ही हो गया किस्म का, तो बहुत मजा आ रहा है और फुल एंजॉय। किले पे हरियाणवी गाना की, हाँ जी, मूवी की एक दो मूवी है, गाने है, उनकी शूटिंग भी हुई हुई है। अच्छा, क्या बात है भाई, हरियाणवी कला जो ये हंसराज हंसनी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भी आके यहाँ पे गाने की शूटिंग करके जा रहा है। ओके, क्या बात है यार। तो एक ये जेल करावेगी छोरी, हाँ जेल करावेगी राइट, खुद यहाँ हसी के किले की तो है वो। अच्छा, अरे क्या बात है, वो भाई खड़ी हो गई पार्क में, उसने वीडियो शूट करी थी यहाँ पर। अच्छा, यानी के करते रहते हैं जो हरियाणवी गाने वाले सिंगर है। हाँ जी हाँ जी, ये यहाँ बात रहते हैं, खुद यहाँ आके वीडियो बना के गया था। ओके, गाने की शूटिंग हुई थी उसकी। अच्छा, क्या बात है यार, देखो भाई कैसी कैसी चीज, कैसी कैसी चीजें पता लग रही है भाई, जितने कलाकार है ना हरियाणा के, सिंगर है एक्टर है जितने भी है, तो पंजाब के भी हैं, पंजाब, हाँ हाँ राइट राइट राइट, पंजाब के भी भाई, पंजाब के भी बंदों ने यहाँ पे शूटिंग की हुई है भाई, इस किले के अंदर शूटिंग की हुई है ऑलमोस्ट, देख लो भाई क्या बात है यार भाई, ऐसे ऐसी चीजें मिल रही हैं भाई। विकास, आप कुछ एक्सपीरियंस करो तो कैसा लग रहा है, वो सस्ता बता, दिल से बताना भाई, फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, मजा आ गया, मजा आ रहा है। तूने कभी सोचा था ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी तेरे को अपने बाबा जी के दरबार से? अरे वो तो बाबा जी हमारे, वो तो हमारे दिल में, हमारे रग में बसते हैं भाई, हमारे बाबा जी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे दादाजी और हमारे दादाजी आगे भाई, वो दादाजी वो सामने वो खड़े, वो खड़े है दादाजी भाई, फुल मजा आ रहा है यार। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमारा यहाँ पे हाँसी में आके भाई, बहुत बढ़िया हाँसी में मैं 3 से 4 बार आ चुका हूँ भाई गाइस यहाँ पे, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला यहाँ पे कभी आने के लिए, तो माई मैं स्पीच नहीं है मेरे पास बोलने के लिए भाई, मेरा कैसा एक्सपीरियंस हो रहा सच्चे में भाई, वो नेक्स्ट 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 लेवल से नेक्स्ट लेवल हो रही है भाई एक्सपीरियंस यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसे ऐसी चीज़ें दिखा दी आपको, ये सामने रानी तालाब जहाँ पे हमारे रानी जी स्नान करते थे, और जो अपने महाराजा के घोड़े थे उनको बांधा करते थे भाई, भाई मज़ा आ रहा भाई, एक नंबर। बोलो जो यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है तुसाम। अच्छा, तुसाम वहाँ पे बहुत बड़ा एक पहाड़ बना हुआ है। हाँ जी, जो यहाँ हाँसी के किले पे सब वो दिख लग रहा था। अच्छा, वो सामने भाई वीडियो पे तो इतना शो नहीं हो रहा है, वो बारिश हुई है अभी जस्ट, तो इस वजह से दिख नहीं रहा, वो सामने ही पहाड़ है भाई, वो सामने पहाड़ है, वो अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा भाई, ठीक है नी। तो भाई जैसा भाई बता रहे गोलू भाई, ओ नहीं भाई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे वो सामने है नहीं, वो सामने यार गाइस, वो सामने देखो भाई, वो सामने दिखाई दे रहा है, अभी नजर पड़ी है मेरी थी। हाँ, तो फिर मैं आपको कह तो रहा था, अभी दिखा मेरे को, अभी दिखा वो तीन खंभों के बीच में, तीन खंभों के बीच में दिखने लग रहा है वो, तो राइट अभी रियल दिखा मेरे, तब बोला मैंने, अरे वाह यार करिश्मा भाई करिश्मा, यहाँ तो 30 किलोमीटर है और सामने दिखाई दे रहा है मेरे को पहाड़, क्या बात है यार, एक नंबर। वो देखो भाई और एक खूबसूरत नज़ारा भाई किला का,
पृथ्वीराज चौहान के किले में आ गए हैं भाई। पहले हम सीरियल देखते थे, पृथ्वीराज चौहान का सीरियल देखते थे, और आज हम उसके किले में खड़े हैं। देख लो भाई क्या बात है, और कितने खुश नसीब है भाई हम, एक नंबर। चलो मिलते थोड़ी नीचे जाके। लो गाइस हम आ गए हैं किले के बाहर भाई, ये आ गए किले के बाहर। क्या खूबसूरत नज़ारा भाई, अभी भी शायद बारिश हो चुकी हो सकती है, बारिश हो सकती है भाई अभी भी। ये सारे से काले बादल हो चुके हैं भाई, सारे काले काले बादल हो गए भाई, बारिश हो सकती है। और यहाँ पे खा रहे भाई, ये फेमस चीज़ है यहाँ की भाई। नींबू थोड़ा अच्छा डालियो, धन्यवाद होगा। अरे भाई अच्छा थोड़ी अच्छी सी बना दे, तीखी सी, ठीक है, तीखी तीखी सी, और मज़ा आ जाए खा के, ठीक है। हम तुम्हें याद करें भाई, किले में गए थे उस भाई की भुजिया, क्या नाम लेते हैं इसका, भुजिया, भुजिया टाइप खाई थी भाई। ये नींबू वाली भुजिया बना रहे भाई, नींबू प्याज और टमाटर, टमाटर इतना महंगा हो गया, देख ले भाई ने आज भी डाल दिया टमाटर। वाकई यार भाई क्या बात है, ये वीडियो देखना ना, लाइक शेयर कर दिए चैनल को, ठीक है। ले भाई अच्छी सी भुजिया बना लेते और खाते हैं फिर मजे से, फिर मिलते आपको। ले भाई हमारे लिए चाट बना दिया एक नंबर का भाई, इस भाई ने, क्या नाम है भाई आपका, विकास है, ये भी विकास, इसका छोटा भाई हो बड़ा भाई हो विकास, चल काम कर। ओ भाई हेल्प करा भाई की, यार भाई की हेल्प करा ना, विकास क्या कर रहा है। लो भाई एक नंबर बना दिया भाई, विकास नाम है भाई का, और वो दूसरा विकास, हमारा दूसरा विकास खड़ा है भाई। और ये सामने किले के सामने भाई, ये सामने किले का गेट है, और इसके सामने लगाता भाई भुजिया, तो खाया करो भाई की, भाई बहुत अच्छी बनाई है भाई ने, ठीक है। लो भाई चेक करते हैं, मस्त बनाए भाई, मस्त बनाए यार, अच्छी बनाए, तुम भी खा सकते हो। विकास क्या बोलना चाहते हो भाई, छोटे भाई की हेल्प करो ना, विकास विकास देखा क्या बात है भाई। चलो भाई खा खू के मिलते, ठीक है। हेलो भाई हम आ गए हैं किले के बाहर, तो ये मेन रास्ता भाई किले का, वो सामने किला भाई, वो सामने किला, और हम किले के बाहर आ गए, तो अभी जा रहे हैं हम घर पे। किले के बाहर आ चुके हैं, तो किले के बाहर आके तो अभी जाएंगे पहले घर पे, फिर घर पे जाके एक और मंदिर में लेके जाएंगे भाई, हनुमान का मंदिर है, एक और हनुमान के मंदिर में लेके जाएंगे भाई, आपको दिल खुश हो जाएगा वो मंदिर भी देख के। और जो पेड़ है ना, जो पेड़ है उसकी, उस पेड़ को देखोगे ना भाई, आपकी आँखों से ना विश्वास नहीं हो पाएगा, आँखों से भी देखोगे उससे विश्वास नहीं हो पाएगा भाई, ऐसा चमत्कार हुआ है। अभी वहाँ पे पहुँचेंगे फिर आपको दिखाएंगे ऐसा, और ऐसा हम तो फर्स्ट टाइम आए भाई यहाँ पे, हाँसी में तो बहुत बार आ गया हूँ, जैसे अभी गोलू भाई हमें घुमा रहे हैं ना, तो इस चीज़ का नहीं पता था भाई हमें, तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी घर पर जाएंगे, घर पर कोई 10 से 15 मिनट बैठेंगे, फिर जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। जो पेड़ है वो आपको दिखाएंगे, जो पेड़ वगैरह वो दिखाएंगे भाई। अब घर पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 5 से 10 मिनट, फिर घर से निकलेंगे, फिर दिखाएंगे आपको, ठीक है। मिलते सीधा घर पे जाके, इस घर पे आ चुके हैं और हम बैठे हैं भाई, कूलर वगैरह लगा है, क्या बात है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो अभी आके मान ले थोड़ी सी गर्म गर्म चाय। और अपना भाई गोलू भाई, गोलू भाई आए करो यार वीडियो में, आए लो भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, शूज पहन के थोड़ा सा पाँव में पेन होने लगा भाई, थोड़ा टाइट शूज है ना, न्यू शूज है ना, तो आज ही पहनना भाई, कोई 1 महीना 1.5 महीना होगा शूज लिए हुए ना, तो आज ही पहनना भाई, इधर आने के लिए पहनने में चलता रहता है न्यू शूज, तो भाई बहुत पेन हो रहा है पाँव में, दोनों दोनों पाँव पेन हो रहा है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करते, चाय वगैरह पीते, मिलते हैं थोड़ी देर में।